हाय दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र राठौर है। आज मैं आपको बताता हूँ पूरा कि मैंने जो 1000 पाउंड का कंप्रेसर लिया था वो कितने का पड़ा था, क्या हुआ था। आप लोग मुझे कमेंट में मैसेज अपना मोबाइल नंबर छोड़ दे तो मैं आपको सब कुछ उसको कॉल करके बता दूंगा कि भाई मुझे इतने का पड़ा था, ये क्या है। और मैंने खाली ये टैंक लिया था, उसके साथ कुछ एसेसरीज नहीं ली थी क्योंकि एसेसरीज के साथ वो महंगा पड़ रहा था। फिर मैंने एसेसरीज उस पर अलग से ली है तो एसेसरीज भी मुझे सस्ती मिल गई है। और जो हेड है तो हेड भी मैंने अलग से लिया था क्योंकि ऐसे हेड लेते अपन तो महंगा टंकी के साथ में क्या वो फिट करके देते हैं, उसका सबका चार्ज ले लेते हैं। तो मैंने ये सब कुछ अलग अलग से लिया है। और अपना ये जो हेड है तो काफ़ी बड़ा है दोस्तों, 160 का हेड है समथिंग, तो ये बहुत स्पीड में हवा बनाता है। और मैं इस टंकी में 300 पाउंड पर इसकी ओवरफ्लो की बॉल जो होती है इसको हम लोग छिकनी बोलते हैं, जो ट्रक के पीछे लगी रहती है, आपने देखा हो कई बार वो छीक छीक की आवाज़ करती है ट्रक के पीछे, वो वही है। तो दोस्तों आपको जो भी कुछ मुझसे पूछना हो टंकी के बारे में या कंप्रेसर के बारे में तो आप मुझे अपने कमेंट में नंबर छोड़ दें। और दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और आप लोगों का कुछ मैसेज आ रहे हैं कि सर साइड पैच का पंचर बना के बताएं, तो मैं आपको बताता हूँ, कोई टायर आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद मेरा चैनल देखने के लिए। और अभी मैं इसमें 2 सड़क चला रहा हूँ, एक हवा भरने के लिए और एक अपनी नट बोल्ट खोलने की मशीन के लिए, है ना। ये दोनों ये बॉल है, ये बंद चालू हो जाती है बॉल, ये और ये बॉल है, ये अपने नट बोल्ट खोलने के लिए और ये हवा वगैरह भरने के लिए। और इसका लंबा पाइप लिया है मैंने इधर से, ये पाइप लेके गया हूँ। इधर एटी लगा दी अपन ने हवा खोलने के लिए, हेड की हवा जो स्टार्ट करते ना हेड को, तो हेड पर लोड ना पड़े इसलिए ये वॉल लगाई हुई है मैंने। और इससे टंकी में हवा भी ठंडी जाती है क्योंकि जो पाइप की लाइन है बहुत काफ़ी लंबी कर दी है मैंने, करीब ये पाइप लाइन करीब 10 से 15 फिट हो गई है। और ये अपना हेड है, ये 5 HP का हेड है, 160 का है, पिस्टन साइज़ की बड़ी है। और ये अपना इंजन जो है पुराना ही वाला इंजन है जो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था, इसकी मैंने खुद सेटिंग ऐसी की है, आप देख सकते हो। ये इंजन का ठिया है अपना पुराना ही वाला है, इसको भी मॉडिफाई करके बना लिया अपन ने। और ये अपना हेड का ठिया है, ये पुराना वाला, इसको भी मॉडिफाई किया है, मतलब मॉडिफाई कुछ नहीं किया है, बस ये पाइप अपन ने बड़ा कर दिया है, जैसे वेल्डिंग करा के ये लंबा पाइप निकाल दिया है। और करीब 2-2 फीट इसको अपन ने ज़मीन पर गाड़ दिया है और करीब 8-9 इंच ऊपर ले लिया है। और ये हेड पे पटिया रख दिया है जिसमें ये वाइब्रेट ना हो, क्योंकि ये बीट रहती है, बीट टूट सकती है, इसलिए मैंने इसके ऊपर पटिया रख दिया, उसको कस दिया है। और सेम प्रोसेस इसमें अपन ने हेड इंजन पर की है। और ये वाटर कूल्ड इंजन नहीं है, ये पानी वाला है, तो इस पर ये अपन ने पंप लगा दिया है, तो पंप से सीधा पानी इस पर आता है और अंदर जाके इस पर से निकल के आ जाता है। और इधर से जो पानी है वो अपना ये पानी टंकी पर आता है, उधर से निकल के वापस आ जाता है। तो बाकी का अपना सब कुछ पुराना पुराना है, जो कुछ भी है दिख रहा होगा आपको, ये अपना सब पुराना ही है। बाकी का अपना ये सिकंजा को अपन ने इधर पर गाड़ दिया है, तो सिकंजा का इसमें वीडियो फिर बना दूंगा मैं आपको, शायद देख लेना आप लोग। और ये टंकी का ठिया अच्छा बना लिया है अपन ने चौड़ा, इसमें अपने टाइली बार भीड़ पाना जो कुछ भी रखना बाहर सामान अपन रख सकते हैं। और ये देखिएगा मैदान, इसमें बहुत काफ़ी स्पेस है। और सामने अपनी मशीन गन रखी हुई है नट बोल्ट खोलने वाली, और ये ग्रीस गन रखी हुई है, और बहुत ज़्यादा स्पेस है। अपना नंबर कमेंट में छोड़ देना दोस्तों, तो मैं आपको कॉल कर लिया करूँगा। मैं मोबाइल नंबर अपना नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपना छोड़ दें मोबाइल नंबर कमेंट में छोड़ दें तो मैं आपको कॉल कर लूँगा भाई, टाइम निकाल के। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें भाई। बहुत सी जानकारी अभी मैं दूंगा, जैसे कि नीको चैट सेट कैसे करते हैं, सब
सब कुछ मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अपने नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।